हेलो स्टूडेंट्स, ये इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है और दूसरा सर्किल है। तो इसमें हम लोगों को क्वाड्रिलेटरल और उसके कुछ टाइप्स और उससे रिलेटेड कुछ जो टर्म्स हैं वो पढ़ने हैं, और सर्किल में सर्किल और उससे जो रिलेटेड टर्म्स हैं। तो पहले हम आते हैं क्वाड्रिलेटरल पे। जो छोटा छोटा टॉपिक है एक ही वीडियो में दोनों हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इसको करा है, पॉलीगॉन के बारे में डिस्कस किया है। पॉलीगॉन होता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ थ्री और मोर लाइन सेगमेंट्स। तो पहला पॉलीगॉन हमारा था ट्रायंगल, और उसके बाद वाला जिसमें फोर लाइन सेगमेंट होगा वो हो गया क्वाड्रिलेटरल। तो हाउ विल यू डिफाइन अ क्वाड्रिलेटरल? अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन हैविंग फोर साइड्स। अ क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन फोर साइड्स। अब देखो, बनाओ इसको दूसरे तरीके से, ऐसे भी बोल सकते हैं, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट्स। दोनों एक ही बात है। सिंपल क्लोज्ड फिगर मींस पॉलीगॉन, अब पॉलीगॉन फिर मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट्स, तो पॉलीगॉन हैविंग फोर लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में मेन इधर आप लोगों को पढ़ना है दो टाइप। अब उसमें और भी जो टाइप्स हैं जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उस पर हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेंगे। पहले हम आते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। कॉन्वेक्स का मतलब होता है बाहर की तरफ निकला हुआ, कॉनकेव का मतलब होता है अंदर की तरफ धसा हुआ। तो इसको हम एंगल के हिसाब से देखें, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल हुआ ए बी सी डी, तो इसमें वर्टेक्स कितने हुए इस पे हम बाद में आते हैं। पहले ये देखो, इसमें चार वर्टेक्स हैं ए बी सी। वर्टेक्स कौन हो गया? ए बी सी एंड डी, और साइड हो गया तुम्हारा ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। ए और सी जो हुआ वो अपोजिट एंगल कहलाएगा, बी और डी अपोजिट एंगल कहलाएगा, और ए और बी जो होता है वो एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। वो जो पॉइंट पर एंगल वाला एडजेसेंट बनाए हैं वो नहीं, क्वाड्रिलेटरल में बगल वाले को एडजेसेंट बोलते हैं। एक्चुअल में एडजेसेंट का मीनिंग होता है बगल वाला, बाजू वाला, तो इसलिए वैसा है। अब आते हैं टाइप कॉनकेव। देखो कॉनकेव और पहले कॉनकेव कौन, पहले कॉन्वेक्स देख लो, ए बी सी और डी, और कॉनकेव का ये हो गया ए बी सी और डी है। इसमें तुम क्या देखे हो, ये वाला जो एंगल है ये 180 से ज्यादा है। तो जब इसका इंटीरियर एंगल कॉनकेव कॉन्वेक्स उसको बोलते हैं जिसका हर इंटीरियर एंगल 180 से कम हो, और
कॉनकेव बोलते हैं जिसका एक भी इंटीरियर एंगल अगर 180 से ज़्यादा हो जाएगा, देखो ना ये ऐसे बन रहा है ये वाला, तो ये इसका वैल्यू 180 से ज़्यादा है। तो जब इंटीरियर एंगल का वैल्यू 180 से कम होगा तो कन्वेक्स होता है, हर का सबका, चार एंगल है तो चारों का, और एक भी एंगल अगर 180 से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम बोलेंगे कॉनकेव। बाकी जो टाइप्स हैं जैसे तुम लोगों में है नहीं लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, स्क्वायर वो पहले से तुम पढ़े हो, शॉर्ट में बता रहे हैं, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड इच एंगल 90 डिग्री। एक्सरसाइज में कम क्वेश्चन है इसीलिए ये हर एंगल 90 डिग्री है, थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ, फिर अगले क्लास में भी पढ़ना है। फिर हो गया रेक्टेंगल क्या होता है, जिसका अपोजिट साइड इक्वल हो और हर एंगल 90 डिग्री हो। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड्स इक्वल एंड इच एंगल 90 डिग्री। उसके बाद आते हैं पैरेललोग्राम पे, एबीसीडी पैरेललोग्राम हुआ, इसका एंगल 90 डिग्री नहीं जरूरी है, ये साइड इसका ऑपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम किसको कहेंगे, जिसका ऑपोजिट साइड पैरेलल हो। और इसके बाद फोर्थ आया तुम्हारा रोम्बस, इसका सब साइड इक्वल है, इसको बोलेंगे रोम्बस। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, रोम्बस हो गया। उसके बाद एक और है ट्रेपेजियम, जिसमें एक पेयर पैरेलल हो, ये और ये पैरेलल होगा, एक ही पेयर, दोनों पेयर पैरेलल होगा तो पैरेललोग्राम हो गया, और एक पेयर पैरेलल होगा तो ट्रेपेजियम हो गया। रेगुलर टाइप में यही है, इसके बाद इरेगुलर तो कोई भी शेप का होगा तो उसका कोई नाम नहीं है, सिंपल वो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब इसमें क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर और एक्सटीरियर पे हम लोग क्या डिस्कस करें, उस पर तो पहले से भी ट्रायंगल है, एंगल है, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर हम लोग समझ गए हैं, ये है, बी है, सी है, डी है। अब जैसे ये पी है, ये इंटीरियर में है, ये क्यू है, ये क्वाड्रिलेटरल पर है, और ये आर है, ये एक्सटीरियर में है। तो इसमें दूसरा कुछ नहीं है, हम छोटा सा एक एक्सरसाइज है उस पर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम सर्किल में आ जाते हैं। हाँ एक चीज़ ये, जैसे ट्रायंगल था तो ट्रायंगल के किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल होते हैं, चारों एंगल का सम कितना होता है 360। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है। जैसे एक ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसको नहीं भी अगर बताएं, जैसे ए बी सी डी है, ये तुमको मान लो 80 डिग्री है, हैं, ये हुआ 110 डिग्री और ये हो गया 70 डिग्री, तो बोलो इसका वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं। इसको x ले लो, चारों का सम x प्लस 80 प्लस 110 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो गया x प्लस 260 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो बोलो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो निकल जाएगा। अब इसमें एक्सरसाइज पे हम देखते हैं कुछ बनाने लायक है क्या। नहीं कोई खास है, इंटीरियर क्वेश्चन नंबर 2-3 में इंटीरियर एंगल ये सब लिखना है। 4 मैंने टाइप का बता ही दिया, 120, 60 और 100 दिया है।
तीन एंगल है तो फोर्थ तुम निकाल ही लोगे। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में डिफरेंस बताना है। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉन्वेक्स ही है ये, और कॉनकेव बनाना होगा ऐसे बना देना, ये कॉनकेव हो गया। इसमें ये वाला एंगल जो है ग्रेटर देन 180 है। आते हैं हम एक क्वेश्चन नंबर 6 पे। स्टडी द फिगर ऑन द राइट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसको नेम द क्वाड्रिलेटरल इन टू डिफरेंट वेज। एक ऐसे पढ़ते हैं, डी सी बी ए पढ़ो या ए बी सी डी पढ़ो, दो तरीके से डी सी बी ए, और कैसे भी पढ़ लो, डी ए बी सी पढ़ो ना, किधर से भी पढ़ोगे एक ही बात है, उसमें कोई ये नहीं है। और ए बी सी डी या ए डी बी सी, ए डी सी बी, ए डी सी बी, नेम द वर्टिसेस ए B, C and D, adjacent sides AD and DB, ये बगल वाला साइड adjacent होता है तो अपने से खोज लो AD and DC, और फिर DC के बगल में ये है DC and BC, फिर C, BC के बगल में ये है BC and AB, है ना, AB और AD, AB and AB, ये तुम्हारा एडजेसेंट साइड हो गया। फिर उसके बाद अपोजिट साइड तो डी सी और ए डी हो गया, फिर उसके बाद डायगोनल, डायगोनल ये हुआ है, तो बी डी और ए सी, डायगोनल कौन कौन हो गया, ए डी और बी सी। इसमें दूसरा कुछ नहीं करना है, एक क्वेश्चन नंबर 9 में बना दे रहा हूँ। और ये हो गया सी, इसमें तुमको ये 45 डिग्री दिया हुआ है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। अब कहोगे कि सर एक एंगल दिया है तो बाकी हम कैसे निकालें, तुमको तीन एंगल दिया है, इसको एक्स ले लो, ये कितना है 90, ये ऐसा सिंबल होगा तो 90, तो इसको लिखो एंगल बी ए डी प्लस एंगल, इसका नाम हो जाएगा ए डी सी, एंगल ए डी सी प्लस एंगल, इसका नाम हो जाएगा डी सी बी, डी सी बी प्लस एंगल, इसका नाम हो जाएगा सी बी ए, अब ये हो गया बी ए डी, बी ए डी तुम्हारा हो गया 45 डिग्री प्लस ए डी सी, ए डी सी हो गया 90 डिग्री प्लस इसको लिए हो एक्स, और प्लस हो गया तुम्हारा फिर ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, 225 डिग्री और प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री माइनस 225 डिग्री इज इक्वल टू हो गया 135 डिग्री। इस चैप्टर में अब दूसरा कुछ नहीं है, इसलिए इसको आप लोग बनाइएगा, 7.3 था, और बाकी जो डाउट होगा वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद में। एक टॉपिक और हमारा आ गया है, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, छोटा सा एक टॉपिक है सर्किल। सर्किल जो है ये कर्व्ड फिगर है, कर्वी लीनियर फिगर है, जिसका हर पॉइंट इसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, इसको बोलते हैं सेंटर, और ये सर्किल हो गया, ये
इसका लेंथ मेजर करेंगे तो उसको सर्कमफेरेंस बोलेंगे, जब तक लेंथ नाप नहीं रहे हैं, मैग्नीट्यूड नहीं है, तब तक ये सर्किल है, तो इसके फुल लेंथ को सर्कमफेरेंस बोलते हैं। आप देखो इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर भी देख लेते हैं, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। तो पी कहाँ है? इंटीरियर में है। क्यू कहाँ है? सर्किल पे है, न इंटीरियर में है न एक्सटीरियर में है। और आर कहाँ है? एक्सटीरियर में है। अब कुछ सर्किल से रिलेटेड कुछ सर्टेन टर्म्स होते हैं, जैसे पहला रेडियस। देखो सर्किल ड्रॉ करने के लिए हमको दो चीज चाहिए, एक सेंटर और दूसरा रेडियस। हम कहीं पर किसी भी सेंटर से और रेडियस अगर हमको पता हो तो तुमको पता है कंपास से तुम ड्रॉ कर सकते हो। तो रेडियस क्या हुआ कि किसी सर्किल का उसके सेंटर से उसके सर्किल के पर कोई जो डिस्टेंस होगा है ना, उसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा उसको रेडियस बोलते हैं। इसको आर से डिनोट करते हैं, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। दिस सेंटर से उसके सर्किल पर किसी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट हो गया OP इज इक्वल टू रेडियस हो गया। ठीक है, अब रेडियस के बाद में आते हैं कॉर्ड पे। कॉर्ड जो हुआ सर्किल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करेगा तो उसको कॉर्ड बोलेंगे, यानी ये भी कॉर्ड हो गया CHORD। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्किल। अब बोलो ए और बी सर्किल पर है कि नहीं? तो सर्किल को ये ज्वाइन जो ए बी करता है, ये ए बी क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। अच्छा ये बताओ सर्किल में कितना रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। देखो एक ये तो हो ही गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जितना मन करे उतना तुम ड्रॉ कर सकते हो। वैसे ही कॉर्ड भी इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जिधर भी तुम करो वो तुम्हारा ये कॉर्ड हो गया। अब देखो अब आते हैं डायमीटर पे, अब आते हैं डायमीटर पे। पहले सर्किल थोड़ा बड़ा कर लिया, देखो ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका रेडियस हो गया OA। अब मान लो एक ये कॉर्ड है तो एक दूसरा कॉर्ड यहाँ ड्रॉ किए, एक थर्ड कॉर्ड यहाँ ड्रॉ किए, तो बोलो एक चौथा ऐसा होगा जो सेंटर से होकर पास करेगा। हाँ तो वही हो गया द कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर। जो कॉर्ड सेंटर से पास करेगा वो डायमीटर हो गया। द कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। अब इस डायमीटर की प्रॉपर्टी होती है, बहुत बच्चा बोलता है डायमीटर क्या है, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। नहीं, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड सही है, लेकिन वो उसकी प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन नहीं। डेफिनेशन हुआ द कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर, ये सही है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। सर्किल में इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें एक डायमीटर भी होता है, तो इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं तो इनफाइनाइट डायमीटर भी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। तो कहोगे कैसे? देखो डायमीटर एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, सेंटर ये पॉइंट है। अब पॉइंट से होके इनफाइनाइट लाइन, पहले ही तो बताए हैं कि पॉइंट से होके इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यानी हम इनफाइनाइट डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं,
इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। अब आइए आर्क पे, अब आइए आर्क पे, ये एक सर्किल है, आर्क जो हुआ जैसे ये ए हुआ और ये बी हुआ, तो सर्किल का ये जो पार्ट हुआ, ये जो कर्व्ड पार्ट हुआ, उसी को आर्क बोलते हैं, आर्क पार्ट ऑफ ए सर्किल, सेक्शन हुआ और सर्किल का एक कटा हुआ टुकड़ा हुआ। अगर इतना बड़ा हम वायर का कोई सर्किल बना लेते हैं बैंगल, तो बैंगल को तोड़ोगे अगर तो ऐसे ऐसे पार्ट होगा, इसको आर्क बोलते हैं, बैंगल चूड़ी। चलो इसमें एक देखो, दो पार्ट में सर्किल को दो पार्ट करें, एक पार्ट ये हो गया और दूसरा ये बड़ा वाला पार्ट हमको दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा माइनर आर्क। माइनर माने छोटा होता है, ये वाला छोटा है, इसको माइनर आर्क बोलेंगे, और मेजर माने बड़ा होता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, मेजर आर्क। यानी ये माइनर हुआ और ये मेजर हो गया, ठीक है। अब जो है इसमें एक और पार्ट है सेगमेंट, तो सर्किल का हम ये सर्किल पहले बना लेंगे, ये सर्किल का ये इंटीरियर हो गया, ये क्यू हो गया, ये सर्किल पे हो गया, और ये आर हो गया, ये एक्सटीरियर। इंटीरियर और सर्किल को मिला देंगे तो सर्कुलर रीजन बनता है, क्या बनता है, सर्कुलर रीजन बनता है, ठीक है। अब इसी सर्कुलर रीजन का एक जो टुकड़ा हुआ, जैसे ये इतना बड़ा तुम्हारे पास कोई मान लो कार्डबोर्ड का एक सर्किल बना लो, ठीक है, कार्डबोर्ड के सर्किल में से इतना काट दो, इतना ये वाला सेक्शन, इसको बोलते हैं सेगमेंट। मेरा तो इसको ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये कहलाता है सेगमेंट। देखो ये ऐसे है तो ये आर्क है, ऐसे में आर्क है, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दिए तो ये रीजन हो गया, तो ये सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो सर्किल में जो रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, आर्क, सेगमेंट, ये सब हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज पे आ सकते हैं, आर्क भी बता दिए। हाँ, एक कंसेंट्रिक सर्किल, देखो एक सेंटर से होते, जैसे ये मैंने हम सेंटर ले रहे हैं, ये एक सेंटर है, इस सेंटर से होते एक सर्किल ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, तो हम इसी सेंटर से ये ओ जो सेंटर है इससे होकर कितना सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। तो सारा जो भी तुमको आ रहा है रेडियस कितना ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट, डायमीटर इनफाइनाइट, कॉर्ड इनफाइनाइट है, तो एक पॉइंट से होके इनफाइनाइट सर्किल्स खींच सकते हैं, तो इसको बोलते हैं, सारे सर्किल्स को बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्किल्स, मतलब सर्किल्स हैविंग द सेम सेंटर आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्किल्स। तो अब हम आ सकते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 7.4। पहला क्वेश्चन, मार्क अ पॉइंट ए ऑन द चार्ट का पेपर, ये तुम ए एक पॉइंट ले लो और कंपास होगा तुम्हारे पास, कीपिंग द पॉइंट ए एज द सेंटर ड्रॉ टू सर्किल्स विथ रेडियस 2 सेंटीमीटर, इसको सेंटर लेके एक 2 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ कर दो, एक ये पॉइंट हो गया, इसको सेंटर लेके एक 2 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ कर दो, और फिर एक 4 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ कर दो, कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो गया, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, और 7.4 में हमको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक हम 5 नंबर बता दे रहे हैं, ठीक है। ड्रॉ ए सर्किल हैविंग अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर, तुम क्या करोगे कि जो कंपास है तुम्हारा जिसमें हम पेंसिल लगाते हैं, उससे स्केल पे जो रूलर होता है उस पर 4 सेंटीमीटर का एक वो मेजर कर लो, और उससे एक 4 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर लो,
एंड डिवाइड इट इनटू टू इक्वल हाफ्स, बस ऐसे उसके सेंटर को मिला के ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ। तो बोलो तुमको तो बता चुके हैं पहले कि ये डायमीटर कहलाता है ए ओ बी। व्हाट इज द डिवाइडिंग लाइन नॉन एज, ये डिवाइडिंग लाइन क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। तो ये तुम लोगों का जो सर्किल भी कंप्लीट हो गया, यानी चैप्टर 7.3 और 7.4 आप लोग बना लीजिएगा, उसमें कोई डाउट का केस नहीं है। ठीक, थोड़ा बहुत जो डाउट होगा वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेट्स